नमस्कार। एक अच्छे वास्तु शास्त्री में क्या क्या गुण होने चाहिए, उसके लिए शास्त्रों में पूरे का पूरा लिस्ट दिया गया है। सम्रांगण सूत्रधार कहता है कि शास्त्रीय सिद्धांतों को समझने के बाद उसको कंटेम्प्रेरी बनाने का गुण एक वास्तुशास्त्री में होना चाहिए। आप सम्रांगण सूत्रधार का सूत्र देखें, प्रसिद्ध शास्त्र दृष्टांतेर वास्तु ज्ञानम प्रसादयेत। ऑफिस के लिए वास्तुशास्त्र के सिद्धांत ऐसा ही एक टॉपिक है, क्योंकि पहले के ज़माने में ऑफिस का कंसेप्ट ही नहीं था, जबकि आजकल कॉरपोरेट कल्चर और ऑफिस कल्चर के बारे में हम सबको पता है। तो जो पुरातन शास्त्रों में सिद्धांत दर्शाए गए हैं, उसको किस तरह से हम आधुनिक काल में लगा सकते हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। अब सबसे पहले तो आपकी ऑफिस कौन से फेसिंग की आपको लेनी चाहिए, नॉर्थ फेसिंग, ईस्ट फेसिंग, साउथ फेसिंग या वेस्ट फेसिंग, उसके लिए शास्त्रों में विशद सात से चर्चा की गई है कि कौन से फेसिंग वाले वास्तु में किस तरह का व्यवसाय चलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं संक्षिप्त में बात करूं, क्योंकि ये आज का टॉपिक नहीं है, अगर आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में हो, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हो, तो आपको ईस्ट फेसिंग ऑफिस ज़्यादा लाभ देगी। अगर आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हो या सर्जरी में हो या फार्मास्यूटिकल्स में हो, तो आपको साउथ फेसिंग ऑफिस ज़्यादा लाभ देगी। अगर आप ऑयल और गैस में हो, अगर आप एम्प्लॉयमेंट के बिजनेस में हो, पीआर के बिजनेस में हो, तो आपके लिए वेस्ट फेसिंग ऑफिस ज़्यादा लाभ देगी। और अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो, अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर के लिए काम कर रहे हो, तो आपके लिए नॉर्थ फेसिंग ऑफिस ज़्यादा शुभ परिणाम देगी। अब डायरेक्शन वाइज कौन सी दिशा में कौन सा व्यवसाय लाभ देता है, वो इतना बड़ा टॉपिक है उसके जिसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। आज हम इस वीडियो में सिर्फ ऐसे ही रूल्स या ऐसे सिद्धांत को देखोगे जो किसी भी ऑफिस के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। सो सर्वप्रथम आपको ये करना है कि आपकी ऑफिस की एंट्री आपके व्यवसाय के अनुसार आपको ऑस्पिशियस है या नहीं है, आपको फ़ायदेमंद है या नहीं है, वह आपको किसी भी विद्वान वास्तुशास्त्री से पूछना चाहिए। एक दफ़े ये पूछने के बाद ये तय होगा कि आपके लिए ये डायरेक्शन फेवरेबल है, उसके बाद हम बात करते हैं जनरल रूल्स की जो किसी भी ऑफिस के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं ऑफिस के मेन डोर की, और ज़्यादातर जो गलती हमने देखी है इन एवरी ऑफिस, वो ये है कि ज़्यादातर जो ऑफिस का मेन डोर हुआ करता है, वह किसी कॉर्नर में हुआ करता है। आर्किटेक्चर के सिद्धांत के अनुसार या फिर ज़्यादा यूटिलिटी हो पाए उसके आधार पर यह दरवाज़ा दिया जाता है कि किसी कॉर्नर में, एक्सट्रीम कॉर्नर में ऑफिस का दरवाज़ा होगा। सर्वप्रथम शास्त्र ये कहता है कि ऑफिस में कभी भी कॉर्नर में दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। मुहूर्त चिंतामणि के ऊपर जो टीका लिखी गई है, उसमें यह सूत्र आता है, विस्तार कोणम द्वारम यत दुख शोक भय प्रदम। अर्थात एक्सट्रीम कॉर्नर में रहा हुआ दरवाज़ा बिजनेस में लॉस करवाता है, वहाँ पर काम करने वाले की लाइफ्स में हेल्थ हैजार्ड्स आते हैं, वो अच्छी तरह से ऑफिस में परफॉर्म नहीं कर पाते, एवं एक तरह का फियर बना रहता है। अगर आपकी ऑफिस में भी वैसी ही अरेंजमेंट है, आपके किसी एक्सट्रीम कॉर्नर में अगर आपका दरवाज़ा है, तो वहाँ से दरवाजे को शिफ्ट करके आपको थोड़ा कॉर्नर से आगे या पीछे दरवाज़ा करना चाहिए। सेकंड जो सिद्धांत शास्त्र में दर्शाया गया है मेन डोर के लिए ही, वह ये है कि आपके ऑफिस के मध्य में दरवाज़ा नहीं होना चाहिए, और उसके लिए सम्रांगण सूत्रधार में यह सूत्र दिया गया है, मध्य द्वारम न कर्तव्यम मनुजानाम कथश्चन। मध्य में द्वार करने से ऐसा देखा गया है कि कभी कभार पूरे का पूरा बिजनेस ही बैंक्रप्सी में जाता है, इतना ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस जाता है। सो अगर आपकी ऑफिस में भी मध्य में द्वार है, तो मध्य से थोड़ा लेफ्ट करके आप दरवाज़ा बना दीजिए, वास्तु के दोष का निवारण हो जाएगा। अब मेन डोर को देखने के बाद अब बात आती है मेन आदमी की, दैट मीन्स ओनर ऑफ द ऑफिस, MD, CEO,
सीओओ या फिर मैनेजर जैसे इम्पोर्टेंट आदमियों को ऑफिस में कहाँ बैठना चाहिए, और उसके लिए उस सिद्धांत को समझने के लिए, दैट मीन्स जो मुख्य व्यक्ति है ऑफिस के, उनको कहाँ पर बैठना चाहिए, उनको अपना टेबल किस दिशा में रखना चाहिए या फिर उनको अपनी कैबिन किस दिशा में रखनी चाहिए, वह दर्शाने के लिए गज पृष्ठ नामक एक सिद्धांत का सहारा लिया जाता है। और उसके लिए वास्तु रत्नाकर और ज्योतिर्निबंध में यह सूत्र दिया गया है, दक्षिणे पश्चिमे चैव नैऋत्ये वायुकोणके अभिरुच्चा भवेद भूमिर गजपृष्ठो भी धीयते। उसके ऊपर टीका लिखते हुए और उस सिद्धांत को कंटेम्प्ररी बनाते हुए ऐसा आचार्यों ने स्पष्ट कहा है कि ऑफिस में साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कंपनी के इम्पोर्टेंट लोगों को बैठना चाहिए। उसमें भी ज़्यादा रिसर्च करके ये कहा गया है कि साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द ऑफिस, वहाँ पर अगर ओनर या एमडी बैठेंगे तो उनकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा अच्छी रहेगी और ऑफिस का संचालन भी बहुत ही अच्छी तरह से होगा। अब एक दफ़े मेन डोर को हमने देख लिया, मेन व्यक्ति को हमने देख लिया, उसके बाद अन्य डिपार्टमेंट जो होते हैं या अन्य जो एक्टिविटीज़ होती है उनको कहाँ पर बैठना चाहिए, उसके लिए भी शास्त्रों में सूत्र दिया गया है और विश्वकर्मा प्रकाश में उसके लिए एक स्पष्ट सूत्र दिया गया है। आप देखें, उत्तरे निधि संस्थितम, अर्थात फाइनेंस डिपार्टमेंट को नॉर्थ डायरेक्शन में बैठना चाहिए। आपके ऑफिस के जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी है उनको भी अगर आप नॉर्थ में रखोगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। उसके बाद विश्वकर्मा प्रकाश में ही एक दूसरा सूत्र भी दिया गया है, पूर्वस्याम तु सभागारम। सूत्र को अगर डिकोड करें तो कॉन्फ्रेंस रूम, मीटिंग रूम्स, आपका एचआर डिपार्टमेंट ईस्ट डायरेक्शन में रखने से उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है। अगर आपकी ऑफिस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आरएनडी डिपार्टमेंट या इनोवेशन का काम चलता है, सोचने का काम चलता है, तो साउथ वेस्ट से वेस्ट के बीच में जगह रखने के लिए नारद संहिता में कहा गया है। आप सूत्र देखें, नैऋति पश्चिम मयोर मध्य विद्याभ्यास, अर्थात नैऋत्य और पश्चिम के बीच में, बिटवीन साउथ वेस्ट टू वेस्ट, आपको आरएनडी डिपार्टमेंट रखना चाहिए। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो सेकंड ऑल्टरनेट के तौर पर जहाँ पर आपका पूजा रूम रखा जाता है, वर्शिप का रूम रखा जाता है या फिर कंटेम्पलेशन रूम रखा जाता है, दैट मीन्स योर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, उसमें भी आप आरएनडी रख सकते हो। अब उसके बाद के जो सूत्र दिया गया वो ये है कि जो मार्केटिंग वाले जो लोग हैं, जो मीडिया में काम करते हैं, आपकी ऑफिस का ही मीडिया या एडवर्टाइजमेंट का जो काम करते हैं, पब्लिक रिलेशंस के बारे में जो काम करते हैं, या वैसे लोग जो आपकी ऑफिस में फील्ड में जाके काम करते हैं, वैसे लोगों की बैठने की व्यवस्था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में, वायव्य कोण में करनी चाहिए। और उसके लिए वशिष्ठ संहिता में यह सूत्र दिया गया है, वायव्याम धान्य मंदिरम। अगर आपके ऑफिस में कैंटीन है, पेंट्री है या किचन की जो व्यवस्था अगर आपको करनी है या फिर आपको सर्वर रूम रखना है, तो वह रखने की जो व्यवस्था है वह विश्वकर्मा प्रकाश के सूत्र के आधार पर अग्निकोण, दैट मीन्स साउथ ईस्ट कॉर्नर या फिर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में बना सकते हैं। आप विश्वकर्मा प्रकाश का सूत्र देखें, आग्नेयाम पाक मुच्यते। इसके अलावा प्लानिंग में पंच महाभूत सिद्धांतों को भी कंसीडरेशन में लिया जाता है, उनको फॉलो करने से भी लाभ होता है। इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानना हो फाइव बेसिक एलिमेंट के बारे में, तो मेरे कुछ पुराने वीडियो है, लाइक वाटर एलिमेंट इन वास्तु, फायर एलिमेंट इन वास्तु, स्पेस एलिमेंट इन वास्तु, आप उनका अभ्यास करना, आपको वहाँ से बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जिसका उपयोग करके आप आपके ऑफिस में फाइव बेसिक एलिमेंट जो है उनका बैलेंस कर पाओगे। अगर मैं यहाँ पर संक्षिप्त में बात करूँ तो ऑफिस के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में वाटर फाउंटेन या वाटर अरेंजमेंट करने से लाभ होगा, साउथ ईस्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट या फिर सर्वर रूम या गैस और स्टोव जैसी कोई व्यवस्था करने से लाभ होगा, साउथ वेस्ट कॉर्नर में
आप अगर अपने इम्पोर्टेंट व्यक्तियों को बिठाओगे जिनके डिसीजंस के आधार पर पूरे का पूरा ऑफिस का एनवायरनमेंट डिपेंड करता है, डिसीजन मेकिंग वाले जो लोग हैं अगर वो साउथ वेस्ट में बैठेंगे तो उनसे लाभ होगा, और जो फील्ड में काम करते हैं वैसे लोग, आपकी मीडिया में जो काम करते हैं वैसे लोग अगर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रहेंगे तो आपकी ऑफिस में ऑफिस की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जो आपकी ऑफिस का सेंटर का पार्ट है वो अगर आप पैसेज के लिए छोड़ दोगे या फिर आने जाने की जगह रखोगे तो स्पेस एलिमेंट भी आपके वास्तु में बैलेंस में रहेगा। याद रहे, आपकी ऑफिस बहुत बड़ी भी हो सकती है या फिर ये हो सकता है कि आपकी ऑफिस एक रूम में हो, ये भी हो सकता है कि आपकी ऑफिस में आप अकेले काम कर रहे हो, फिर भी आपके फाइनेंस के कागज़ तो होंगे ही, तो उनको आपको नॉर्थ में रखना चाहिए। आप अपनी पब्लिसिटी के लिए कुछ करते ही होंगे तो वो तरह का जो मटेरियल है वो आपको नॉर्थ वेस्ट में रखना चाहिए। वैसे ही जैसे बड़ी ऑफिस का अरेंजमेंट किया जाता है वैसे ही आपकी होम ऑफिस या अगर आपकी छोटी ऑफिस है उसका भी आयोजन करोगे तो सुनिश्चित तौर पर आप फाइनेंशियल गेन और अन्य तरह की प्रसिद्धि को प्राप्त करोगे। मुझे आशा है कि अगर हम इतने बेसिक रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम हमारे ऑफिस के वास्तु में सुनिश्चित तौर पर सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त कर पाएंगे। शुभम भवतु, प्रणाम।